हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार्विस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो इन दो पिक्चर से होता है। इसमें ये जो पहली पिक्चर है इसका नाम है डॉन ऑफ द सेंचुरी, जिसको पब्लिश किया था ईटी पॉल ने, जो कि एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे। इन्होंने अपनी म्यूज़िक एल्बम के कवर पेज पर ये फोटो लगाई थी। अब देखते हैं कि इसका नाम डॉन ऑफ द सेंचुरी क्यों था। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको सेंटर में एक गॉडेस लाइक फिगर दिखाई दे रहा है। इनका नाम है गॉडेस ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप इनके हाथ में देखोगे तो इनमें एक फ्लैग है जो न्यू सेंचुरी का है। ये गॉडेस लाइक फिगर एक व्हील पे खड़ा हुआ है जिसके विंग्स हैं, जो कि टाइम को शो कर रहा है और हमें बता रहा है कि जो फिगर है ये फ्यूचर में जा रहा है। अब इसके बैकग्राउंड में नज़र डालिए तो वहाँ पर आपको रेलवेज, मशीन्स, फैक्ट्रीज, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब दिखाई देगा, जो हमें ये बता रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे ग्रो कर रहा है। तो अगर हम इस पूरे पिक्चर को कनेक्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो गॉडेस ऑफ प्रोग्रेस है ये एक न्यू सेंचुरी के अंदर एंट्री कर रही है, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, स्टार्टिंग ऑफ द न्यू सेंचुरी। तो जो स्टार्टिंग वर्ड है या राइज वर्ड है, इसको हम यूज़ करते हैं डॉन के लिए। स्टार्टिंग ऑफ द सेंचुरी, डॉन ऑफ द सेंचुरी, इसलिए इस पेंटिंग का नाम डॉन ऑफ द सेंचुरी है, क्योंकि ये बता रही है कि कैसे जो अभी की सेंचुरी है वो एक न्यू सेंचुरी में जा रही है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये दूसरी पिक्चर देखिए, ये पिक्चर का नाम है टू मैजिशियन और ये पिक्चर ट्रेंड मैगजीन के ऊपर बनाई गई थी। इस पिक्चर में अगर आप टॉप की तरफ देखोगे तो आपको अलादीन दिखेगा। ये अपने मैजिक लैम्प से पैलेसेस और बिल्डिंग्स बना रहा है। यहाँ पर अलादीन के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, ओरिएंट। ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो ईस्ट के लोग हैं, स्पेसिफिकली एशिया के। अब इस पिक्चर के बॉटम में देखो तो यहाँ पर आपको एक मैकेनिक दिखाई देगा जिसके हाथ में कई सारे टूल्स हैं और इन टूल्स से ये बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस बना रहा है और इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन से। यहाँ अलादीन जो है वो ईस्ट और पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो ये बता रहे हैं कि ईस्ट के जो लोग थे वो कैसे जादू टोने पे विश्वास करते थे, मगर जो वेस्ट के लोग हैं, मगर जो मैकेनिक है वो वेस्ट के लोगों को और मॉडर्निटी को दर्शा रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी वो बता रहा है कि कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अपने बलबूते पे, इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पर, टूल्स के बेसिस पर काम कर रही हैं और अपने लिए खुद न्यू पैलेसेस बना रहे हैं, ना कि किसी जादू वादू पे विश्वास कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि ये एक ट्रेड मैगजीन थी और एक म्यूज़िक मैगजीन थी, और इन दोनों के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कवर क्यों थे? तो ये चीज़ हमें ये बता रही है कि उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन का कितना क्रेज़ था कि हर चीज़ को इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही जोड़ा जा कट कि हर चीज़ को इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ा जा रहा था, चाहे वो मैगजीन हो या फिर वो ट्रेड हो। इसके अलावा ये भी बता रहे थे कि कैसे जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो रैपिडली डेवलप कर रहा था टेक्नोलॉजी में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे पूरा फ्यूचर डेवलप कर रही थी या पूरा फ्यूचर बना रही थी और लोगों के ऊपर टेक ओवर कर रही थी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके कई सारी डिबेट्स चली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं ख़राब है, कुछ लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही प्रोग्रेस हुई है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी जो था कि ग्लोबल प्रोडक्शन होता था। तो सवाल ये आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ग्लोबल प्रोडक्शन कैसे होता था, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।